अब आप सोच रहे होंगे कि बरदान एक्सप्रेस की टीम ये अचानक कहाँ लेकर आई है। हम ये आंगन दिखा रहे हैं, पहले आंगन पर नजर डालिए। ये गांव का माहौल है और ये पूरा जो गांव देख रहे हैं, खपरेल वाले मकान बने हुए हैं और इसी मकान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आए हुए थे, जिन्होंने इसी आंगन में बैठकर बुंदेली खाना खाया जिसमें कड़ी चावल और रोटियां थीं और यहाँ पे बैगन का भरता भी बनाया गया था। और यहाँ की जो आदिवासी परिवार की महिलाएं हैं, ये गांव है राजनगर, था राजनगर जो विधानसभा क्षेत्र है सिंगरौन, वहाँ की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पहले चूल्हे पर नज़र डालिए, जो चूल्हे की लकड़ियों से यहाँ पे खाना बनाया गया था, बुंदेली व्यंजन यहाँ पे तैयार किया गया था खास तौर पर अखिलेश यादव के लिए। और यहाँ पे जब अखिलेश यादव पहुँचे तो उन्हें इन महिलाओं ने, आदिवासी परिवार की महिलाओं ने बुंदेली खाना खिलाया। एक बात बताओ, अखिलेश भैया आए थे कल, खाना खाए थे, कैसा लगा उन्हें खाना? क्या क्या खाया? अच्छा, आपने खूब खाना खिलाया, पसंद क्या आया उन्हें? उनको कड़ी चावल पसंद आया खाना। अच्छा, और तारीफ भी करके गए थे? तारीफ भी करके गए थे, हमें खाना खाते में अच्छा लगा। कुछ इनाम दे गए क्या? हाँ दे गए। क्या? पैसा दे गए। कितने? दो दो तीन तीन हजार। अच्छा, इनाम में दो दो तीन तीन हजार रुपए दे गए। अच्छा, और कुछ क्या गए? और अच्छा लगा। आपके बच्चों के लिए कुछ उन्होंने संदेश दिया है कि पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा इंसान बनाओ, क्या कहा उन्होंने? बच्चों के लिए तो क्या कह गए थे, बोलो जरा। फिर आइयो ना, पढ़ाओ स्कूल में, जब 12 तक पढ़ेंगे, 10 तक पढ़ेंगे तो हमारे बच्चन को नौकरी भी मिलेगी। अच्छा, 20 की तो मिलेगी मिलेगी, ज्यादा की मिलेगी। अब जब पढ़े ना तो 10-20 की तो मिले, और ज्यादा पढ़े तो अच्छा लगा है। क्या खिला दिया खाने में? खाने में अब रोटी सब्जी कड़ी चावल सब। आप लोगों के कड़ी चावल तो उनको भागा एकदम बिल्कुल। हाँ, कड़ी चावल तो बहुत खाए। काय माता राम, क्या खवा दिया? कड़ी चावल रोटी। कैसा खाना खवाया कि वो तो मोहित हो गए आप लोगों के। खाना खवाओ, रास्ता में हमसे कह रहे थे, बोले भैया खाना तो खवा दो। हाँ, लेकिन खाना बहुत टेस्टी लगा, तारीफ कर रहे थे रास्ते में। हम पता दोबारा इसलिए आए हैं क्योंकि वो हमसे कह रहे थे कि भैया वहाँ जाना, खाना तो बहुत आनंददायक है, मजा आ गया बुंदेली खाने में। हाँ, काय से बनाया था? चूल्हे से। अच्छा, तवा की रोटी, तवा चढ़ाओ, तवा बनाई, हाथ से बनाई, लकड़ियाँ खाई, बटिया बनाई। कभी सोचा था अखिलेश यादव आपके यहाँ के खाना खाएंगे? सोचा था कि हमने तो खवाया है। अच्छा लगा, इनाम मिल गई? मिले 2000 मिले। और तो कुछ कह गए? सही बात है। तो इस तरीके से अखिलेश यादव ने महिलाओं को इनाम भी दिया है, इनाम भी बनता है क्योंकि खाना स्वादिष्ट था, तारीफ हुई, तो उन्होंने अपनी जेब भी यहाँ पे ढीली कर दी और पैसे से इन लोगों का सम्मान कर दिया। माता राम, अखिलेश भैया आए थे? हाँ, खाना किया। सोचा था कभी अखिलेश यादव आएंगे? हमने नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ आएंगे, कभी नहीं। इसी आंगन में आए थे आप? हाँ, आंगन में आए थे हमारे। क्या खिलाया? कड़ी चावल, रोटियाँ, हाथों की सब्जी भी बनाई थी, वो भी खाया। हाँ, भरता भी। और अंदर भी गए थे तो पैसे। अच्छा, पूरे खाने में तारीफ सबसे ज्यादा काई थी? सबसे ज्यादा कड़ी चावल। तो आपने इतनी मेहनत करी, कुछ इनाम मिला? हाँ मिला है। क्या मिला? हमको तो मिला है, जो उन्होंने दिया है हमको, दिया है 10,000 रुपये और अलग से दिया है। अच्छा, अंदर जाके? हाँ, अंदर परिवार से भी मिल रहे थे? हमने फोटो भी देखी आपकी। बच्चों को दिया है, लड़कियों को दिया, बोला कि अरबर बच्ची, हम 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। अच्छा, तो उन्होंने क्या नाम लिखती है? कुंवर भाई। कुंवर भाई। हाँ, तो कुंवर भाई आपके बच्चों को क्या कह गए वो पढ़ाने लिखाने के लिए? क्योंकि उन्होंने फोकस किया है पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई बोले, पढ़ाना बच्चों को खिलाना मत, हम आपकी व्यवस्था करेंगे, हम बन जाएंगे कुछ तो आपके करेंगे कुछ। भैया अखिलेश जी आए थे, खूब तारीफ कर गए आपके गांव की, खासकर आपके आंगन की, और यहां पे वो कह गए हैं कि बच्चों को पढ़ा लेना लिखाना और अच्छा इंसान बनाना। बोले हमारी सरकार आएगी तो हम कुछ कर भी जाएंगे, क्या बोल गए आपसे? हम से सब यही किया है और सबसे ज़्यादा है, जो हम तो ऐसा कभी हमने सोचा ही नहीं था पहले कि हमारे पास कोई आएंगे, लेकिन आया जो साहब जो आए तो हमने उनको बढ़िया स्वागत किया है। जो कुछ हमारे पास भोजन में हम लोग खाते हैं वही, और उन्होंने वैसे ही हमारे खाना की तारीफ बहुत की है।
तो हमको बहुत अच्छा और लगा कि हमारे बीच में आए हैं अखिलेश भैया जी, और जो हमेशा कभी सोच ही नहीं सकते। देखो भैया, बुंदेलखंड के जो खाने का स्वाद है वो बिल्कुल अलग है, और सबको बुंदेलखंड का खाना भा जाता है। कोई भी बड़ा नेता आए, अगर उन्हें बुंदेलखंड का खाना मिल जाए तो आनंद ही कट जाता है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल यहाँ पे अखिलेश यादव आए थे, ये यहाँ पे गोबर से पूरा चबूतरा लीपा गया था, और ये आंगन है जहाँ पर अखिलेश यादव को यहाँ बिठाया गया था और खाना खिलाया गया था। खाना भी कोई स्पेशल थाली में नहीं था बल्कि इन पत्तलों में था। ये जो पत्तल हैं, बताया जाता है कि बुंदेलखंड में इन्हीं पत्तलों में भोजन कराया जाता है, और इसका स्वाद ही बिल्कुल अलग होता है जिसकी तारीफ हर व्यक्ति करता है। तो ऐसे इन पत्तलों में अखिलेश यादव ने खाना खाया, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे ये खपरेल वाला जो मकान है, कैमरामैन से हम कहेंगे कि थोड़ा सा आगे आ जाओ और ये तस्वीरें भी दिखा दो, क्योंकि घर के अंदर की तस्वीरें बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि ये वही घर है जहाँ पर अखिलेश यादव ने अंदर आकर परिवार से मुलाकात की थी, और यहाँ पे फोटो सेशन होता रहा। ये तस्वीरें दिखाओ, ये दीवार है जहाँ पर अखिलेश यादव ने खड़े होकर परिवार के साथ फोटो खिंचवाई थी और बच्चों को साथ में गोद में लिया था। तमाम चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली थी, और इस तरीके से आज हम ग्राउंड जीरो पर जाकर वरदान एक्सप्रेस यही देखना चाह रहा था कि आखिरकार जो अखिलेश यादव ने खाना खाया उसके बाद आदिवासी परिवार और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर हमने ग्राउंड जीरो पर उनसे उनके मन की बात जानी है। तो इस तरीके से वरदान एक्सप्रेस ने ग्राउंड जीरो से अपनी पूरी बात करी है और आदिवासी परिवारों से उनका हालचाल जाना है। वरदान एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन राहुल माली के साथ मैं लोकेश चौरसिया।